तो दोस्तों आइए चलते हैं मिक्स नंबर की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको मिक्स नंबर की एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मिक्स नंबर बेसिकली उस टाइप के नंबर हैं जहाँ पर फ्रैक्शनल एंड नॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक तरह से काम करता है। ये नंबर फॉर्म हमें इस तरीके से काम आती है कि जहाँ पर हमको अपना डेसिमल फॉर्म में नहीं जाना होता, क्योंकि डेसिमल फॉर्म की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो हम मिक्स नंबर फॉर्म से पहले पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर एंड में जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम मिक्स नंबर के फॉर्म में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक एक हमारे पास एडवांटेज हो जाता है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो इसको मैं सबसे पहले स्टेप नंबर वन लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों सबसे पहले स्टेप में मैं जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है उनको अलग करता हूँ। 14 माइनस 9 प्लस ऑफ 61 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 1, यहाँ पर मैं जितने भी नॉन फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनके साइन के साथ इनको लेके जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं अगर दूसरा ब्रैकेट लगाऊँ तो मैं इसमें जो मेरे पास इवन नंबर के जो डेसिमल्स हैं उनको अलग करूँगा। 3/4 एक मेरे पास है पॉजिटिव साइन में, फिर मेरे पास 1/4 है, फिर मेरे पास 1/2 है, एक अलग मैंने रख लिया। अब उसके बाद मेरे पास ऑड नंबर बचे जिनका डेसिमल, इनका जिनका जो डिनोमिनेटर है वो ऑड है, जैसे 1/3 प्लस ऑफ 4/3, इनको मैं अलग रखूँगा जिससे कि ये एक्सप्रेशन एक सिंप्लीफिकेशन की तरफ चले। इसका जो दूसरा स्टेप है इसमें मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये हो गया -11, 61 से -11 को करेंगे तो ये हो गया 50, फिर -9 से 50 को करेंगे तो दैट इज़ 41, तो ये हो गया 55। 55 यहाँ पर बना, प्लस ऑफ इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2/4 दैट इज़ 1/2, 1/2 -1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका मैं एलसीएम लूँगा 15, तो ये 5 प्लस 12 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये चलेगा। अब मैं इसका स्टेप नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 55 सिंपल, और ये 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, प्लस ऑफ 17/15 हो गया। 17/15 दोस्तों ये प्योर डेसिमल नहीं है, ये एक और मिक्स नंबर में टूट सकता है। तो इसके लिए मैं आपको इसका स्टेप नंबर 4 पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक और स्टेप ब्रेक करूँगा, 55 प्लस ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ 15, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 17/15 बन जाएगा, और ये फाइनली जाके कंक्लूड होगा, फाइनली लेके कंक्लूड होगा 55 प्लस 1 दैट इज बनेगा आपका 56 प्लस ऑफ 2/5 2/15, और ये कंक्लूड होगा 56 मिक्स नंबर फॉर्म में 2/15। ये दोस्तों इसका आंसर है। तो मैंने मिक्स नंबर से इसको लेके चला था, मैंने इनको नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को अलग किया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट में जो भी इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं जैसे कि इवन नंबर जो डिनोमिनेटर्स उनको अलग किया, ऑड नंबर डिनोमिनेटर्स को अलग किया, इनको अलग अलग सॉल्व किया। 55 मेरा यहाँ से निकला, 1/2 1/2 कैंसिल होकर यहाँ से बना, और 17/15 यहाँ से बना यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद मैंने और सिम्प्लीफाई किया, इस स्टेप में आके मैंने देखा कि 17/15 की फॉर्म है जो कि एक प्योर डेसिमल प्योर फ्रैक्शन नहीं है। इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया 1 प्लस 2/15 के फॉर्म में, और ये 56 यहाँ पर जो मुझे मिला 1 को ऐड करने के बाद 55 में प्लस 2/15 यहाँ पर आया, और ये टोटल जब हमने किया इसको एंड में जब हमने कंक्लूड किया तो 56 को मैंने मिक्स डेसिमल फॉर्म में 2/15 भी इसके साथ में जोड़ दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी मिक्स प्रॉब्लम के एडिशन सब्स्ट्रैक्शन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके, और एक काफ़ी सिंपल मेथड है मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको फाइनली कंक्लूड करने का। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।